हाय नमस्कार। सो राजस्थान का सीट मैट्रिक्स आ गया चौथे राउंड के लिए और हम वेट कर रहे थे नॉर्थ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स यहीं पर निकलने की उम्मीद थी यूपी के अलावा, और हम जानते हैं यूपी में भी 100 के ऊपर सीट्स हैं, लेकिन राजस्थान में टोटल मिला के स्टेट प्लस मैनेजमेंट की एग्जैक्टली 150 सीट्स दिख रही हैं। और जो उसकी वजह है वो भी यही है कि GIT मेडिकल कॉलेज जो जोधपुर में है उसको 50 और सीट की परमिशन मिल गई है और सबसे ज़्यादा सीटें उसी के पास आई हैं, वरना कुछ भी ना बचता। तो 43 जनरल सीट्स एट 1 करोड़ का बजट। तो आप लोग ना कोर्ट ऑर्डर देख के मत घबराइए, बेसिकली कोर्ट ऑर्डर का मतलब यही है कि सीट्स अभी परमिशन दी गई है, मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन कोई रिस्क वाली बात नहीं है। तो सबसे रफ जो जनरल सीट है 43 सीट्स वो आई है JIT में, जहाँ बजट 1 CR होता है। और अगर हम राउंड 3 से देखें सो 250 वाले को भी 1 CR का पैकेज मिला था, तो इसका मतलब अगर आप 270-280 प्लस हैं तो डेफिनेटली राजस्थान में आपका काम 1 CR में हो सकता है। कॉलेज नया है, स्टेट सीट है, कोई बैंक गारंटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। और तभी मैंने बार बार कहा था कि बेसिक रजिस्ट्रेशन करके रखिए, अभी भी टाइम है आपके पास 5 बजे तक का, डिपॉजिट देने का टाइम कल तक है, और हरियाणा का इतने में आ जाएगा सीट मैट्रिक्स, उत्तराखंड का आ जाएगा आज। तो अगर आप देखिए 350 प्लस वाले हैं देन वी कैन हैव अ जजमेंट। मेरे सोलन पक्का मिल जाना चाहिए 350 प्लस वाले को इस बार। 300 के आसपास हैं हरियाणा यूपी, अगर दोनों टफ रहे तो राजस्थान में आपको आराम से 1 CR का पैकेज मिल सकता है। सो 280-290 वाले को श्योरली राजस्थान ट्राई करना चाहिए, और 1 CR में भी हमारा काम हो सकता है अगर हम JIT की 43 सीट्स देख लें। और इसके अलावा वैसे तो लो कॉस्ट में गीतांजलि की 3 सीटें हैं, बट गीतांजलि में आपको पता ही है स्टेट सीट में भी बैंक गारंटी है तो उसका पंगा नहीं लेंगे। JNU में 4 सीटें हैं, उसमें वो बैंक गारंटी भी मांगते हैं, 4 सीटें हैं, इसका पैकेज 1/15 पड़ता है। उसके बाद PMCH उसमें भी 1 सीट है नॉर्मल, 12 सीटें कोर्ट ऑर्डर की, 1.20 का पैकेज है, लेकिन वी हैव टू लुक एट द बैंक गारंटी सोच समझ के। व्यास में 1 सीट निकली हुई है, सुधा में 1 भी निकली हुई है, मेरे को व्यास वाले ने 3 कहा था, लगता दोनों ने शाम को ज्वाइन कर लिया होगा। सो अगर मैं भाई 1 करोड़ के बजट की बात कर रहा था विदाउट बैंक गारंटी, तो हमारे पास 43 सीट सब JIT में आ गई हैं, तो पुरानी सीट 1 भी नहीं बची थी। तांतिया में 1 सीट है, वैसे वो 1-10 तक जाता है, तो JIT वजह से समझ लिया ऑप्शन आ गई, वरना कोई ऑप्शन नहीं बचती हमारे पास 1 CR के बजट में राजस्थान में। तो ये जो ऑप्शन आ गई है इसकी वजह सिर्फ यही है कि 43 सीट्स JIT में आ गई हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर है जो आपका काम 1 CR में कर सकता है। और राउंड 3 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 250 प्लस में भी चांस रहेगा 250-260 में कि आपका काम 1 CR में राजस्थान में हो जाए। ओके, तो ये है 200 से लेके अगर आप 250 तक हैं तो आपको जनरल सीट मिल सकती है थोड़े एक्सपेंसिव कॉलेज की, लाइक मैं तो PMCH ही बोलूँगा, जिसकी टोटल मुझे 13 सीटें नज़र आ रही हैं, और उसके बाद JNU में 4 सीटें नज़र आ रही हैं, NIMS में 3 सीटें नज़र आ रही हैं, तो अनदर 22-23 सीटें हो गई। ऐसा मुझे लगता है कि इफ़ नॉट 200-220 के आसपास के बच्चों का काम हो जाना चाहिए इस सीट में, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा नीचे भी गिर सकता है कट ऑफ, और अगर आपके बिलो 200 हैं सो डेफिनेटली आई थिंक, और आपको सीट चाहिए ही चाहिए अब हिंदुस्तान में 200 से कम में, तो देखिए नॉर्थ में हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा कोई चांस नहीं है, साउथ में कोई चांस नहीं है, या तो आप कर्नाटका की बहुत महंगी सीट लीजिए, पौंडेचेरी भी मुश्किल लग रहा है इस बार, बिहार भी मुश्किल लग रहा है बिलो 200। सो अगर आप बिलो 200 हैं और अभी भी MBBS करना चाहते हैं तो आई थिंक राजस्थान में जो कपल ऑफ कॉलेजेस हैं जो वेरी हाई फीस है मैनेजमेंट की आप जानते ही हैं, उस कॉलेज में आप बात करके कोई नेगोशिएटेड प्राइस ला सकते हैं, और वही है जो सबसे ज़्यादा सीट्स दिख रही है हमको मैनेजमेंट कोटा फीस के हिसाब से। और वैसे तो 14 सीटें कोर्ट ऑर्डर की PMCH में भी हैं, तो मैनेजमेंट में काफ़ी सीटें फिर भी हैं। अगर हम हाई बजट की बात करें तो 45-50 सीटें आ जाती है वहाँ पर। वैसे तो सुधा में भी 1 मैनेजमेंट सीट खाली है, तांतिया में भी 1 खाली है, JIT में फिर से वही 7 खाली है, जो नई सीटें आई हैं, अदरवाइज इनको जरूरत नहीं थी शुड आई से। तो सुधा तो जिसे कहते हैं पैक हो गया 1 सीट को छोड़ के, और 1 सीट के लिए आई एम श्योर कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उसकी सीट अपने आप भर जाएगी। सो JIT है जी, और जिसमें 7 सीटें आई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू
बाकी दो तीन भाई नेम्स में हैं, गीतांजलि में एक है, अनंता में दो सीट्स खाली हैं एट। तो वंस अगेन अगर आप 300 प्लस हैं तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर अनंता सीट्स अदर देन JIT एंड ऑल दैट। ओके सो क्लियर है जी। अगर आप, मैं कहूँगा सेफली, अगर आप 200 से कम हैं सो डेफिनेटली गो फॉर प्री टॉक्स, लेट मी पुट इट दिस वे, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ बैंक गारंटीज एंड वेरी एक्सपेंसिव फीस। अगर आप 280 से ऊपर, आई थिंक यू आर सेफ फॉर अदर कॉलेजेस, और आप इसके बीच में हैं सो देन इट्स अ टफ डिसीजन, अ टफ कॉल टू मेक। राइट काउंसलिंग एंड हेल्प यू फॉर राजस्थान। 9643362320 इज अवर नंबर। 5000 रुपये लेते हैं हम बात करके सलाह देने के, और 50000 रुपये नॉर्मल काउंसलिंग फीस है जैसा कि आप जानते ही हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वाली डील में हेल्प चाहिए देन अवर चार्जेज आर 1.5 लाख रुपीज़, ठीक है। बट अगेन बिकॉज इट्स लास्ट डेज एंड वी आर ऑल्सो हेल्ड टू हेल्प यू एज वेल एज रन अवर ऑफिस, सो सम नेगोशिएशंस नाउ इन अवर फीस नॉट इन 5000 रुपीज़ आर देयर फॉर द नेक्स्ट 5-7 डेज, ताकि आपका काम भी हो जाए। ओके सो राजस्थान, जैसा मैंने कहा, JIT 43 सीट्स आ गई हैं, सुनहरा मौका है 280 प्लस वाले बच्चों के लिए अपना काम 1 CR तक में कराने का। कोर्ट ऑर्डर से मत घबराइए, बिलो 200 हैं सीट्स अवेलेबल हैं, आगे बढ़िए उस हिसाब से अपना काम कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और हमेशा जो मैं समझाता हूँ, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने में कभी कंजूसी मत कीजिए। आई होप कि आपने कर लिया होगा, अभी भी 5 बजे का टाइम है, 2000 रुपये वाला कर लीजिए, तब तक और सीट मैट्रिसेस आ जाएंगे बाकी स्टेट्स की, देन यू कैन मेक अ जजमेंट कि कहाँ फाइनल अप्लाई करें, कहाँ पर डिपॉजिट्स फंसाएं। राजस्थान मैंने आपको कल ही बताया है, वहाँ डिपॉजिट के अलावा डॉक्यूमेंट भी आपको देने, बॉन्ड साइन करना है कि राजस्थान में सीट मिली तो लेनी ही पड़ेगी। राउंड 4 में पौंडेचेरी भी ले रहा है फीस पूरी, कर्नाटका भी ले रहा है, बट वो बॉन्ड साइन नहीं करा रहे हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी फ़र्क है। ओके बाय बाय, टेक केयर। 9643362320